हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज बनाने जा रही हूँ एक नए डिजाइन की डोरमेट, जो बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मैंने ये कम फंदे से बनाया है। आपको मैं कम फंदे से ही बना के बताऊँगी। आप चाहें तो ज़्यादा फंदे से बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप साड़ी चुन्नी से भी बना सकती हैं। तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ कि कैसे बनेंगे ये। देखिए, मैंने एक पार्ट बना के तैयार कर लिया है। अब मैं दूसरा पार्ट बनाने जा रही हूँ, तो उसमें मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे बनेंगे। उसके लिए मैंने दो कलर का ऊन ले लिया है, 9 नंबर की सलाई ले ली है और इसमें मैंने 20 फंदे डाले हैं। ये 20 फंदे की है, तो मैं यहाँ से शुरुआत करूँगी। ये जो लाइन दिख रही है, तो मैंने ये तीन तीन लाइन बनाई है दोनों कलर से, यानी कि छः छः सलाई। तो छः सलाई इस कलर से और छः सलाई इस कलर से, तो ये तीन लाइन बन के कम्प्लीट हुई है। तो पहले मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ। देखिए, पहला फंदा हम उतार लेंगे, इस तरह से हम उल्टा उल्टा बुन के कम्प्लीट करेंगे। उल्टा उल्टा ही बुन के हमें दोनों दोनों तरफ से ही हमें उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करनी है। देखिए, एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ये उल्टी साइड है, तो उल्टे साइड से भी हमें उल्टा उल्टा ही बुन के कंप्लीट करना है। पहला फंदा हम उतार लेंगे और इस तरह से उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से हम 6 सिलाई बनाएंगे। 6 सिलाई बनाने के बाद 3 लाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए, ये 3 लाइन बन के कम्प्लीट हो गई है। ये सीधी साइड है इसकी और ये उल्टी साइड। तो हम उनको दूसरे साइड से लगाएंगे, उल्टे साइड से। तो इसके लिए हम ये फंदे सीधे कर लेंगे इस तरह से और हम दूसरा कलर इसमें लगा लेंगे। अब हम 6 सलाई इस कलर से बनाएंगे। और इस कलर से भी हमें उल्टा उल्टा ही बुन के कंप्लीट करनी है ऐसे। अब देखिए, 1 सलाई कंप्लीट कर ली मैं। अब सीधी साइड से भी हमें उल्टा उल्टा बुन के ही कंप्लीट करनी है इस तरह से। पहला फंदा हम उतार लेंगे और उसके बाद हम इस तरह से बुनाई करेंगे। तो इस कलर से भी मैं 6 सिलाई बुनाई कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम बुनाई करेंगे तो 3 लाइन कंप्लीट हो जाएगी और 6 सिलाई बना लूँगी। देखिए, ये लाइन दिख रहा है, इसी तरह से हम 3 लाइन बनाएंगे। देखिए, ये भी कंप्लीट हो गई 3 लाइन। तो अब फिर हम दूसरा कलर इसमें लगाएंगे। तो इसी तरह से हम तीन तीन का तीन लाइन इस कलर से और तीन कल तीन लाइन इस कलर से, दोनों कलर से हम तीन तीन लाइन बना के कंप्लीट करेंगे। यानी कि इसमें कितनी हो जाएंगे टोटल, 3 3 6 3 9 12 15 और 3 18, हमें टोटल 18 लाइन चाहिए। 9 लाइन एक कलर से और 9 लाइन एक कलर से। तो इसी तरह कैसे हम बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि हाँ कैसे बनाना है। हमें तीन तीन लाइन बनानी है, तो बना लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये कंप्लीट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम रख लेंगे और रख के हम इस तरह से नापेंगे इसको। अगर ये बराबर आ जाती है तो ये कंप्लीट हो गई है, ये पार्ट इस तरह से। इसमें भी मैं दिखा देती हूँ, इस तरह से नापना है। चाहे इस साइड से देखिए, चाहे इस साइड से, इस तरह से। ज़्यादा फंदा का हो या कम फंदे का, इसी तरह से आप नाप लेंगे तो पता चल जाएगी। अब हमें ये वाली कली बनानी है।
ये वाली पार्ट। तो कैसे बनाना है देखिए, अब हम यहीं से ये कलर लगा लेंगे और सारे बुन लेंगे। दो सिलाई बुनाई करेंगे, एक सिलाई उल्टे साइड से, एक सिलाई सीधी साइड से। इस तरह से मैं बुन लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। अब देखिए दो सिलाई मैंने बना लिया, ये तीसरे सिलाई है। तो अब हम क्या करेंगे, सारे फंदे को बुन लेंगे और नीचे की दो फंदे छोड़ देंगे। इस तरह से हम उल्टा उल्टा बुनते हुए नीचे की साइड जाएंगे। देखिए ये दो फंदे हम नीचे के साइड छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई को पलट लेंगे और एक सिलाई हम इस तरह से बुन लेंगे सारे फंदे को। और फिर से देखिए, फिर उल्टी साइड आ गई, सारे फंदे फिर से हम बुन लेंगे और नीचे की साइड दो फंदे छोड़ देंगे। देखिए दो फंदे पहले का था, दो फंदे अब छोड़ रही हूँ और यहीं से सिलाई को पलट लूँगी इस तरह से। पहला फंदा हम उतार लेंगे और बाकी फंदे को इस तरह से बुन लेंगे। तो मैं दो दो फंदे छोड़ लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ऊपर तक दो दो फंदे छोड़ लूँगी, फिर मैं आगे आपको दिखा। देखिए ये दो दो फंदे करके मैंने सारे फंदे छोड़ लिए हैं। अब क्या करना है, अब इसमें इस तरह से हम सारे फंदे को बुन के कंप्लीट करेंगे। एक सिलाई इस साइड से बुन लूँगी, एक सिलाई हो गई, एक सिलाई और बुन लूँगी इसी कलर से। फिर हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए एक सिलाई बना लिया है, अब क्या करना है, अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से। सारे फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे। देखिए एक सिलाई मैंने बुन ली है, अब ये दूसरी सिलाई है। तो फिर से हम दो दो फंदे नीचे के साइड छोड़ते जाएंगे इसी तरह से। देखिए मैंने दो सिलाई बना लिया है, अब हम दो दो फंदा फिर से छोड़ेंगे। तो ये जो कली बनी है, तो एक दो तीन चार पाँच छः कली बनी है, तो मैं छः कली बना लेती हूँ। मैंने पाँच कली तैयार कर लिया है, एक दो तीन चार पाँच। अब छठा कली में एक बार और देख लीजिए, हम यहीं से धागा को चेंज करेंगे उल्टे साइड से। सारे फंदे को हम बुन के कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अब देखिए एक सिलाई कंप्लीट हो गई है, अब क्या करना है, सीधी साइड से हमें बुनाई करनी है। सारे फंदे को हम बुन लेंगे और नीचे के साइड से हम दो फंदे छोड़ देंगे। देखिए सारे फंदे बुन लिए और दो फंदे जो हैं, ये लास्ट के दो फंदे हम छोड़ देंगे, यहीं से सिलाई को पलट लेंगे। अब हम सारे फंदे को फिर से हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। फिर से देखिए सीधी साइड आ गई, तो फिर से हम सारे फंदे को बुन लेंगे और नीचे की साइड से हम दो फंदे फिर से छोड़ेंगे।
देखिए दो फंदे छोड़ दिए और फिर सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। तो इसी तरह से ये कंप्लीट होगी, तो मैं कर लेती हूँ कंप्लीट, फिर दिखाती हूँ। देखिए ये कंप्लीट हो गई। क्या करना, हम सारे फंदे को बुन लेंगे जिस तरह से मैं बुन रही थी। अब दो दो फंदे करके मैंने सारे फंदे छोड़ लिए हैं, तो अब सारे फंदे को बुन लूँगी। इसी तरह से बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है, फंदे कम करेंगे उल्टे साइड से। इस तरह से हम दो का एक कर लेंगे। ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला, कम करना है मीडियम में। इस तरह से फंदे कम करने हैं। देखिए सारे फंदे हमने कम कर लिए, ये एक रह रहा है, इसे भी हम कम कर लेंगे इस तरह से। अब क्या करना है, हम धागा को हम यहीं से काट देंगे। जितनी हमें सिलने के लिए चाहिए उतना हम रख लेंगे और बाकी काट देंगे। और ये धागा भी काट लेंगे। देखिए इस तरह से हम रख लेंगे और रख के हमें सिलना है। इस तरह से तो हम उल्टा कर लेंगे, उल्टा करके हम सिलते हैं। देखिए मैंने उल्टा कर लिया है और उल्टे साइड से हमें सिलना है। तो इस तरह से हम पकड़ लेंगे। इस तरह से हम सिल लेते हैं। इस तरह से पकड़ पकड़ के हम पूरी सिलाई करेंगे। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक सिलनी है, इसे यहाँ से। तो सिल लेती हूँ मैं, फिर आगे दिखाती हूँ कि कैसे लगेंगे ये सिले। देखिए ये मैंने कंप्लीट कर ली सिल के। इसी तरह से ये सिले जाएगी, तो आप छोटा बड़ा बना सकती हैं जैसा बनाना चाहें, उसमें फंदे ज़्यादा डालना हो। देखिए मैंने सिल के कंप्लीट कर लिया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सिलने के बाद। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अगर बनाना चाहें तो ज़्यादा फंदा लेके बना सकती हैं और साड़ी चुन्नी से भी बना सकती हैं। तो मिलते हैं अगला वीडियो में।